हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम जो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन है, संक्षिप्त अक्षर सूची, कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है एब्रीविएशंस, वो पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका एडी। एडी मीन्स होता है एनालॉग टू डिजिटल। सेकंड है आपका एडीएसएल। एडीएसएल का फुल फॉर्म है आपका एसआई मैट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और एजीपी का फुल फॉर्म है एसिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एएलजीयूएल का फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और एएलयू का मीन्स है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो गणना करने के यूज किया में यूज होता है। और आगे है एएम का फुल फॉर्म है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एएमडी का फुल फॉर्म है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। और एएनएसआई का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एएनएसआई का फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सभी जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर की, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे है आपका अपार्टनेट। अपार्टनेट एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अपार्टनेट का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अपार्टनेट का है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और नेक्स्ट है आपका एटीएम। एनसाइकोनस ट्रांसफर मोड ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ASCII है ये, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट है आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। BRC भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक आपका बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो आपका बेसिक है, बिगिनर ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्चर है। BCC पूछा गया है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी नेट में पूछा गया है। BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये भी पूछा गया है NTA नेट में। BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। BCR बार कोडेड रीडर है। BM का आपका बिट BM का BMP का बिट मैप है। BCR का बार कोड रीडर है। BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। BPI का बाइट्स पर इंच है। BPS का बिट्स पर सेकंड है। BPI का बाइट्स पर इंच, BPS का बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट है आपका CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CL का कंप्यूटर एडेड लर्निंग। के CM का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CCILD का कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। CDAC का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है आपका CDMA। CDMA का फुल फॉर्म है कॉर्ड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सी डॉट का है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमैटिक्स। नेक्स्ट है आपका CDR। CDR का है फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD ROM का है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW का है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। सन का है यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स। क्लास का है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीड इन स्कूल। कोबल का है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। और आपका नेक्स्ट है CMY, क्यान मैग्नेटा येलो। और कोमल का है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। CPI का है करेक्टर पर इंच। और CPS का है करेक्टर पर सेकंड। CPU का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT का कैथोड रे ट्यूब, काफ़ी बार पूछा गया है। CRT का कैथोड रे ट्यूब है। CU का कंट्रोल यूनिट है। DA का डिजिटल टू एनालॉग है। AD का जैसे एनालॉग टू डिजिटल था, DA का डिजिटल टू एनालॉग है। DBMS का डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है। DDS का डिजिटल डाटा स्टोरेज है। DHTML का डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। DIMM का ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल है।
DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, DNS का डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम DNS का। आगे आपका DPI डॉट्स पर इंच है, DRAM डायनेमिक रैम है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DSDD डबल साइडेड डबल डेंसिटी है, DSHD डबल साइडेड हाई डेंसिटी है, DTP डेस्क टू पब्लिशिंग है, DVD डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क है, DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे है आपका ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग रहेगा, और EEPROM EPROM इलेक्ट्रिकली रिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रहेगा, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रहेगा, और AEXE का रहेगा आपका एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट रहेगा आपका फुलफॉर्म फैट का फाइल एलोकेशन सेंटर रहेगा, फाइल एलोकेशन सेंटर, और FDM का फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग रहेगा, FET का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रहेगा, FIFO का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहेगा, FILO का फर्स्ट इन लास्ट आउट रहेगा, FLOP का आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन रहेगा, FLOP का फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन रहेगा, और FM का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रहेगा, फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन रहेगा, FSK का फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग रहेगा, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहेगा, GB का गीगाबाइट्स रहेगा, GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट रहेगा, और GIGO का गार्बेज इन गार्बेज आउट रहेगा, GPRS का जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस रहेगा, GPS का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रहेगा, GSM का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल रहेगा, GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, HDTV हाई डेफिनेशन टेलीविजन, HLL का हाई लेवल लैंग्वेज, HP का हेवलेट पैकार्ड, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये पूछा गया है एग्जाम में, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोनों पूछे गए हैं, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोनों पूछे गए हैं आपके। नेक्स्ट है आपका IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर्स बोर्ड, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC का इंटीग्रेटेड सर्किट, IETF का इंटरनल इंजीनियर टास्क फोर्स, IM का इंस्टेंट मैसेजिंग, IO का इनपुट आउटपुट, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, IRC का इंटरनेट रिले चैट काफी बार पूछा गया है, इंटरनेट रिले चैट आपका IRC का रहेगा, और नेक्स्ट है आपका ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क रहेगा, ISO का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ISOC का इंटरनेट सोसाइटी रहेगा, ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा। नेक्स्ट है आपका PAN का प्राइवेट पर्सनल एरिया नेटवर्क रहेगा, PC का पर्सनल कंप्यूटर रहेगा, PCB का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रहेगा, PCI का पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट रहेगा, PDA का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट रहेगा, और PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। PM का रहेगा फेज मॉड्यूलेशन, PUST का रहेगा पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, PPM का रहेगा पेज पर मिनट, PPB का रहेगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, प्रोलॉग का रहेगा प्रोग्रामिंग इन लॉजिक रहेगा, प्रोलॉन्ग का, PROM का रहेगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PSTN का रहेगा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, और RAM का रहेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी काफ़ी बार पूछा गया है, RGB का रेड ग्रीन ब्लू, ROM का रीड ओनली मेमोरी काफ़ी बार पूछा गया है, RS-232 का रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232, RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
आरटीजीएस का रहेगा रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, एससीआई का रहेगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, एसईओ का रहेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईआरपी का रहेगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SEQUEL का रहेगा स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, SGML का रहेगा स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, SIM का रहेगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SIMM का रहेगा सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, और आगे है आपका सिम का रहेगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SGML का स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, SIMM का साइन इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, SMPS का स्विच मोड पावर सप्लाई, SMS का शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्नोबॉल का स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबोलिक लैंग्वेज, स्नोबॉल का रहेगा स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबोलिक लैंग्वेज रहेगा, SQL का स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज रहेगा, SRAM का रहेगा स्टैटिक रैम, SSI का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SVGA का रहेगा सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, और TB का रहेगा टेराबाइट, और TCP का रहेगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट TDM का रहेगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और TLT का रहेगा टॉप लेवल डोमेन, ULSI का रहेगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, UNIVAC का रहेगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UPS का रहेगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, URL का रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB का रहेगा यूनिवर्सल सीरियल बस, UVEPROM का रहेगा अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका वैन, आपका जो भी है VAN, वैन का रहेगा वैल्यू एडेड नेटवर्क, और आपका VDT का रहेगा विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, और वीडियो का वीडियो डिस्प्ले यूनिट, VGA का वीडियो ग्राफिक्स एरे, वायरस का वेटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, UVSI का रहेगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VOLP का रहेगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VLTE का रहेगा वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, VSAT का रहेगा वेरी स्मॉल अपर्चर्स टर्मिनल, और VSNL का रहेगा विदेश संचार निगम लिमिटेड, और आगे है आपका W3C का वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, वैन का रहेगा वाइड एरिया नेटवर्क, वेब का रहेगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WEP का रहेगा वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, WiMAX का रहेगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, WLL का रहेगा वायरलेस लोकल लूप, WOM का रहेगा राइट वंस रीड मैनी, काफी बार पूछा गया है, WWW का वर्ल्ड वाइड वेब, XHTML का एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, 2G का सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, और 3G का थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, 4G का फोर्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, और आपका 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ओके, थैंक यू क्लास।